हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आव्यूह का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला उदाहरण। ये रहा आपके सामने, ये रहा हमारा पहला उदाहरण। देखिए, दिया गया कोष्टक में 1 1 1 3 4 3 3 3 4 का ए इन्वर्स ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ शर्तें हैं, उनको हम फॉलो करते हुए इस सवाल को लगाएंगे। इस सवाल को लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को केवल और केवल आसान वाली तरीका बताएंगे, ताकि आप लोग बोर्ड पेपर में आसानी से लगा लें। तो आइए देखते हैं आसान वाली तरीका। इसको लगाने से पहले हम आप लोगों को जो जो शर्तें हैं उनको पहले बता देते हैं, उसके बाद इसको लगाएंगे। पहले हम निकालेंगे आव्यूह के सारणिक का मान, जिसे मॉड ए से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, निकालेंगे आव्यूह के सारणिक का मान, ठीक है। तो हमें अर्थात मॉड ए का मान, अब निकालेंगे मॉड ए का मान। निकालने के बाद निकालेंगे आव्यूह का सगुणन खंडज आव्यूह, ठीक है। यहाँ पर लिखते चलते हैं दूसरा आव्यूह का सगुणन खंडज, सगुणन खंडज आव्यूह, ठीक है दोस्तों। ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। अब तीसरा में देखिए, तीसरा में निकालेंगे सगुणन खंडज से, सगुणन खंडज से परिवर्त आव्यूह, सगुणन खंडज से प्राप्त परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह निकालने के बाद अब हमारे पास एक सूत्र आता है, जो कि ए इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइंट ए, ए डी एडज्वाइंट ए अपान में मॉड ए होता है। ये हमारे पास सूत्र होता है। इन तीनों को निकालने के बाद इसमें मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले आप लोगों को मॉड ए निकालना सिखाते हैं, उसके बाद सगुणन खंडज आव्यूह, फिर सगुणन खंडज आव्यूह से परिवर्त आव्यूह निकालना, उसके बाद इसमें मान रख देंगे तो हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। तो देखिए, आव्यूह के सारणिक का मान जिसे मॉड ए से प्रदर्शित किया जाता है, तो हम मॉड ए का मान निकालेंगे। देखिए, ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हम छोड़ देंगे, तो ये हमारा एक हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ पे -3 3 9। अब देखिए, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, ठीक है। अब छूट जाएगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी प्लस होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे माइनस हमने ले लिया है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला छूटेगा और ये वाला छूटेगा, तो 1 1 और 3 4 बचेगा, तो 4 का गुणा करेंगे 1 में, तो 4 -3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला छूट जाएगा और ये वाला छूटेगा, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऐसे हम निकालते हैं आव्यूह के सारणिक का मान, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हल करेंगे, 16 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, 7 का गुणा करेंगे 1 में, तो हमारा 7 ही बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए -3 है, यहाँ पे 4 -3 है, तो 1 बच जाएगा अंदर, -3 का गुणा करेंगे 1 में, तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे 3 -4 है, यहाँ पे -1 बचेगा। अब +3 का -1 गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे -3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा +1। इसे हम समीकरण मान लेते हैं 1, समझने के लिए अपने, आप चाहे तो कितना भी समीकरण बना सकते हैं, वो आपके समझने के लिए होता है। इतना करने के बाद अब निकालेंगे हम सगुणन खंडज आव्यूह, तो निकालेंगे आव्यूह का सगुणन खंडज आव्यूह। आव्यूह का सगुणन खंडज आव्यूह निकालने से पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे इस तरह से एक बड़ा वाला कॉलम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक ठो बना लेंगे ऐसे, यहाँ पे दूसरा बना लेंगे ऐसे, और यहाँ पे तीसरा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग भी ऐसे ही पेपर में आप लोग करिएगा, ताकि इसे जल्दी लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस के चिन्ह को हमेशा रखते हुए चलेंगे, चिन्ह को हम साथ में रखते हुए चलेंगे, अगर गलती से भी चिन्ह मिस्टेक हो गया तो हमारे सारे मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो आइए पहले उस चिन्ह के साथ रखते हैं। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। आप लोग ये ख्याल रखिएगा कि माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस इसमें आता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये आप लोगों के समझने के लिए था। अब देखिए, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो हमारा ये बचेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 3, और ये 3, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद अब इसको छोड़ेंगे, अब इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो 1 1 3 4, 1 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 4 1 3, 1 4 1 3। यहाँ पे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 4 3 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 3 4, जहाँ जहाँ जो है वहाँ वहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसको छोड़ेंगे, अब इसको लेंगे, ठीक है।
तो ये वाला छूट जाएगा और ये वाला छूट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा एक एक तीन और चार बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक तीन चार। अब देखिए, अब तीसरा स्तंभ को हम छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को, तो यहाँ पे एक तीन एक तीन, यहाँ पे एक तीन और यहाँ पर भी एक तीन मिल गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरी पंक्ति में, ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो तीन तीन चार तीन। इसे आप लोग बारीकी से बिल्कुल लगाइएगा, नहीं तो आप लोगों की छोटी सी गलती आपके पूरे मेहनत को बर्बाद कर सकती है। अब देखिए, तीसरा पंक्ति रहेगी इसी तरह से और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो एक एक तीन तीन बच जाएगा, यहाँ पर भी एक एक तीन तीन। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा एक तीन एक चार, एक तीन और एक चार। अब इतना करने के बाद इसका हम हल निकालेंगे, तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो हमारा प्लस का हो जाएगा यहाँ पे कोष्टक में, चार चौके सोलह, तीन तीन नौ, सोलह माइनस नौ, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे ऐसे कोष्टक में। इसका गुणा इसमें करेंगे चार, यहाँ पे तीन हो जाएगा, तो चार माइनस तीन। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे ऐसे, तीन का गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा तीन, और एक का गुणा चार में करेंगे तो चार हो जाएगा, तो यहाँ पे थ्री माइनस चार आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो चार तिहाई बारह, तीन तिहाई नौ। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, मैं इसको हल करता हूँ। चार तिहाई बारह माइनस नौ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, चार तीन चार माइनस तीन, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का तीन माइनस तीन, तो यहाँ पे तीन माइनस तीन हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे प्लस लगा कर लिखेंगे, तीन तिहाई नौ माइनस बारह। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो करेंगे तो हमारा यहाँ पे माइनस का आ जाएगा थ्री माइनस थ्री। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का चार माइनस थ्री। ये हमारा निकल गया सगुणनखंड जाव्यूह। अब इसको हम देखिए हल कर लेते हैं, सोलह में से नौ घटाएंगे तो हमारा सात बच जाएगा। अब देखिए चार में से माइनस तीन को घटाएंगे तो एक बचेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का एक बच जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का एक बच जाएगा। यहाँ पे देखिए बारह में से माइनस नौ को घटाएंगे तीन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का तीन आ जाएगा। यहाँ पे चार में से माइनस तीन को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे प्लस का एक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीन में से माइनस तीन को घटाएंगे तो यहाँ पे शून्ना हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे शून्ना में तो शून्ना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नौ माइनस बारह, तो यहाँ पे माइनस का तीन आ जाएगा, यहाँ पे ये भी जीरो हो जाएगा, तीन में से माइनस तीन घटेगा तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस का जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चार माइनस तीन है तो यहाँ पे एक हो जाएगा। ये हमारा निकल गया सगुणनखंडज आव्यूह। ये निकालने के बाद हम निकालेंगे सगुणनखंडज से प्राप्त परिवर्तन आव्यूह। अब इससे हम परिवर्तन आव्यूह प्राप्त करेंगे। ठीक है, सगुणनखंडज से प्राप्त परिवर्तन आव्यूह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ए जॉइंट ए आ जाएगा यहाँ पे। इस पंक्ति को हम स्तंभ में बदल देंगे और ये स्तंभ को पंक्ति में। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पंक्ति है, इसको हम स्तंभ में बदलेंगे तो सेवन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का एक हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस का एक हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का तीन हो जाएगा और यहाँ पे एक हो जाएगा और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे माइनस का तीन हो जाएगा और यहाँ पे जीरो और यहाँ पर एक। अब देखिए यहाँ से हमारा एड जॉइंट ए भी निकल गया, तो हम सीधा सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम ए इनवर्स का सूत्र लिखते हैं, इनवर्स बराबर होता है एड जॉइंट ए अपान में मॉड ए होता है। ठीक है दोस्तों, इसी सूत्र में हम इसका मान रख देंगे तो ये हमारा निकल गया है, इसे हम समीकरण नंबर दो मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समीकरण दो से हम एडजॉइंट ए का मान रखेंगे और समीकरण एक से मॉड ए का मान रखें। इस सवाल को हम मिटाते हैं, तो देखिए यहाँ से हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एक बटा में एक, और यहाँ पर देखिए ये हम मान रख देंगे तो यहाँ पर सेवन हो जाएगा और माइनस का वन, यहाँ पर माइनस का वन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का तीन हो जाएगा और यहाँ पर एक हो जाएगा और यहाँ पे जीरो और यहाँ पे माइनस का तीन और यहाँ पे जीरो और एक, यही हमारा आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसी सवाल के आधार पे आप लोगों को सवाल पूछेगा तो आप लोग उसे बिल्कुल आसानी तरीके से इसी के अनुसार हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण।